सेंचुरियन में खेले गए दूसरे वनडे मैच में विराट कोहली के नेतृत्व वाली टीम इंडिया ने अफ्रीकी टीम को 118 रन पर ऑल आउट कर दिया। अफ्रीका की टीम अपने घर में ही पूरे 50 ओवर खेलने में नाकाम रही। अफ्रीका की टीम सिर्फ 32.2 ओवर में ही निपट गई। मेजबान टीम को उन्हीं के घर में धराशायी करने में अहम भूमिका भारतीय स्पिन गेंदबाजों ने निभाई। युजवेंद्र चहल ने 5 विकेट लिए तो कुलदीप यादव ने 3 शिकार कर अफ्रीकी टीम की कमर ही तोड़ दी। इसी के साथ भारतीय टीम ने प्रोटियाज के खिलाफ एक ऐसा काम भी कर दिया जो आज तक दुनिया की कोई भी टीम नहीं कर सकी थी। भारत ने सुपर स्पोर्ट्स पार्क में अफ्रीका को 118 रन पर ढेर कर दिया। अपने घर में खेलते हुए अफ्रीकी टीम का ऑल आउट होने के बाद ये सबसे कम स्कोर रहा। चहल और कुलदीप ने प्रोटियाज को अपनी फिरकी के फंदे में फंसाकर वनडे में उनकी धरती पर सबसे कम स्कोर पर ऑल आउट कर दिया। इससे पहले उसका अपने घर में ऑल आउट होने के बाद सबसे कम स्कोर 119 रन का था, जो उसने 2009 में इंग्लैंड के खिलाफ पोर्ट एलिजाबेथ में बनाया था। लेकिन टीम इंडिया ने मेजबान टीम को 118 रन पर समेट दिया और उसे उसके ही घर में शर्मसार कर दिया।